नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और बहुत ही बुरी खबर। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी समुद्र में डूब गया है जहाज, 32,000 लोग दोस्तों चले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से बड़ी खबर, सिडनी और उसके आसपास रहने वाले 32,000 से अधिक लोग दोस्तों घर छोड़ गए हैं। उन्हें मूसलाधार बारिश के चलते भीषण बाढ़ के डर से घर छोड़ने के लिए तैयार रहने को कहा गया है और बताया जा रहा है कि सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि इन दिनों भारी भयंकर बारिश आंधी तूफान की वजह से सूपड़ा साफ हो गया है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। दोस्तों चाइना के बाद में ऑस्ट्रेलिया के अंदर भयंकर बाढ़ बर्बादी आ गई है, जहां पर दोस्तों सैकड़ों लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। यहाँ दोस्तों बीते शुक्रवार से जारी मूसलाधार बारिश के कारण बांध भर चुके हैं, नदियां उफान पर हैं, तटबंध टूट जाने की वजह से 50 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। आपातकालीन प्रबंधन मंत्री मुरे वाट ने कहा, हमारे पास नई जानकारी यह है कि बाढ़ की विभीषिका इन क्षेत्रों में 18 महीने पहले आई बाढ़ से बहुत ही भयानक है। और यहाँ न्यू साउथ वेल्स राज्य के प्रधानमंत्री डोमिनिक पेराटेट ने कहा कि निकासी के आदेश में 32,000 लोग प्रभावित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मौसम ब्यूरो के प्रबंधन जेन गोल्डी ने बताया कि सिडनी के उत्तर में न्यू केसल और सिडनी के दक्षिण में वोलोगोंग के बीच कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों से जबरदस्त बारिश हो रही है। यहां पर 39 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से पूरा शहर डूब गया है। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वहीं दक्षिण हांगकांग में एक सप्ताह की शुरुआत में आए तूफान के कारण एक इंजीनियर जहाज भी डूब गया है, जिसमें दोस्तों कई लोगों की मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि कल देर रात एक चालक दल को दोस्तों बचाया गया है और अभी वह सुरक्षित है। अब तक 4 लोगों को बचाया जा चुका है। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चीन के ग्वांगजांग के अंदर भी भारी बारिश बाढ़ बर्बादी ने दोस्तों तबाही मचा दी है, वहां पर भी सैकड़ों लोगों की दोस्तों मौत हो गई है। साथ ही ग्वांगडो समुद्री अफसरों के अनुसार चालक दल के सदस्य की हालत अभी इस तरह है, लेकिन चावा तूफान ने भयंकर तबाही मचा दी है। आप सभी से विनती की इन दिनों मानसून आया हुआ है, भारी बारिश हो रही है, इसलिए नदी नालों से दूर रहें, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें। और आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मौसम की प्रत्येक जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।